ग्यारसपुर में जो शिक्षा के लिए बच्चों को कॉलेज नहीं है, उनको 40 किलोमीटर दूर विदिशा जाना पड़ता है, इसके लिए क्या पहले राजनीति में प्रयास किए गए थे? यहाँ पर पूर्व से काफ़ी टाइम से प्रयास किए जा रहे हैं। पहले यहाँ पर मिडिल स्कूल ही था, यहाँ पर डॉक्टर शंकर दयाल जी शर्मा रात रोके थे यहाँ पर, वो मेरे पिताजी को मामा जी बोलते थे, उनका यहाँ मामियारा था, तो उनसे स्कूल की मांग करी सभी लोगों ने, तो सब हमारे यहाँ पे स्कूल खोला जाए पड़ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि पहले इस पर 10,000 रुपया देना पड़ेगा आपको डोनेशन, तो सभी जगह चंदा किया उसमें, किसी ने 2 रुपये दिए, किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 5 रुपये दिए, इसी ढंग से इतना इतना चंदा, तो 10,000 होने के बाद वो पैसा दिया। आज भी पैसा वो कलेक्टर साहब के खाते में जमा है, FD है उसकी। तो यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल खुला था और 1960 में ये स्कूल खोला गया था, तो उस वक्त उस जमाने जब स्कूल खुला था तो लोग ये कहते थे 9 लड़का 13 मास्टर 12-11 का स्कूल, मतलब अधिकारी कर्मचारी, यहाँ के कई बच्चे पढ़ भी गए, बाहर इंजीनियर बने, बाहर गए हैं, कोई डॉक्टर भी बने हैं, अभी हमारे यहाँ का एक बच्चा IAS में निकल गया है ग्यारसपुर का, मतलब मेहनत तो कर रहे हैं। अब क्योंकि ग्यारसपुर को हम चाहते हैं कि इसको नगर पंचायत का ही दर्जा मिले, तो इसका विकास और जल्दी आएगा, बजट आएगा, पैसा मिलेगा, तो बड़ी पंचायत हो जाएगी। साथ साथ यहाँ एक मंडी का भी लोगों ने प्रपोजल दिया, हम चाहते हैं कि अब एक कॉलेज भी यहाँ पर खुले, तो जो बच्चे सीनियर बच्चे हो गए, पढ़ लिख गए, हायर सेकेंडरी के बाद वो हो गए, तो उनको हायर सेकेंडरी स्कूल के बाद कॉलेज में डायरेक्ट पहुँचने का मौका, अब वो तो यहाँ से ही कम पड़े, बकर से गए, जाने पड़े घर से गए, कहीं कहीं नहीं जा रहे, बेचारे पढ़ ही नहीं पा रहे, तो हायर सेकेंडरी तक हैं भाई, इसके बाद कोई बहुत से बच्चे ऐसे नहीं जा सकते विदिशा बासवरा पढ़ने के लिए, यहाँ कॉलेज की खुलना नितान्त आवश्यक है। साथ ही जो क्षेत्र को अगर हम देखें तो कभी 10-15 साल पहले विदिशा विधानसभा में ग्यारसपुर आता था, इसके बाद अब गंजेवासला विधानसभा में आने लगा है, उसके बाद भी ग्यारसपुर का विकास क्यों नहीं हो सका? नहीं देखो, पहले से शुरू से ही ये ग्यारसपुर जो है विदिशा विधानसभा सीट में रहा, और एक बार जब मेरे पिताजी चुनाव लड़ा था तब कुरवाई सीट में था, कुरवाई इसकी विधानसभा 5-10 सीट थी, इसके बाद ये अभी जो है बासोदा में पहुँच गया, तो बासोदा दूर पड़ता है बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, और उससे काम भी नहीं पड़ता है क्योंकि जिला भी और तहसील भी सभी दृष्टि से वो हो जाता है। अच्छा, विधायक लोगों भी जो चुन के जाते हैं, BBL से आ जाते कि इतनी दूर कौन जाए, तो विधायक लोग भी को कम इंटरेस्ट रहता है, और विदिशा के विधायक रहते थे तो बराबर आया गया बना रहता था, सभी लोग आते थे जाते थे देखते थे काम, अब यहाँ पर कम ही लोग आ पाते हैं विधायक लोग। तो ग्यारसपुर काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, अगर सरकार चाहे तो ये विधानसभा ग्यारसपुर विधानसभा बन जी साहब, ये विधानसभा ग्यारसपुर का इसका सर्वे हो गया था और ग्यारसपुर के नाम से विधानसभा बनी हुई थी, परंतु राजनीतिक उसमें जो BJP के शासन में हुई इसको फिर बदल के वो समसभा विधानसभा में लोबा। यहाँ पर पुरातत्व का बहुत बड़ा धरोहर है, यहाँ की एक मूर्ति जो थी पूरे हिंदुस्तान में प्रथम आई थी, पश्चिमी जर्मनी में फर्स्ट आई, स्विट्जरलैंड में फर्स्ट आई, इटली में फर्स्ट आई, और हर जगह भेजे यहाँ पे इस मूर्ति को छोड़ने के लिए 52 आदमी का गार्ड गया था, वहाँ पे 101 गार्ड ने उसको रिसीव किया। आजकल वो मूर्ति जो है ग्वालियर गुजरी महल में रखी हुई है, पहले मैंने बहुत प्रयास किया कि मूर्ति यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि ग्यारसपुर की चीज़ है, फिर बोरा जी के टाइम में बोरा जी ने मुझको ग्वालियर भिजवाया था सरकार के खर्च से, पहले आप पहले देख के आओ कि इतनी व्यवस्था पर कर सकते कि नहीं कर सकते, इसकी रखवाली कर सकते कि नहीं कर सकते, तो मैं गुजरी महल गया था देखने के लिए, तो वहाँ पर भारी व्यवस्था, उस पर गार्ड लगा हुआ है और अंडरग्राउंड है काफ़ी मूर्ति, जैसे देखने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति बाहर रखी रहती थी, हमने उस मूर्ति के जो प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति को हमारा कोई मुख्य अतिथि आते थे जो भी आते थे हम उसको उनको देते थे ताकि हमारे यहाँ की चीज़ है, बहुत लोग खुश होते थे, और भी यहाँ पे खम्मा पाजामा ढेकीना खिलौना ये सब है, परंतु यहाँ का पुरातत्व का विकास नहीं हो पा रहा क्योंकि जो लोग वो कहते थे कि यह पुरातत्व के उस पर विकास होना चाहिए, यहाँ पर पुरातत्व के कारण क्योंकि ये शायद 4th कैटेगरी में आता है, तो पहले कैटेगरी में तो आपके लाल किला है, आपका वो है आगरा का ताजमहल है, ऐसे जो पहली कैटेगरी में आते थे, तो माला देवी की बड़ी दैनिक उसका भी सर्वे हो चुका है, बताया था
यहाँ पे एक खान साहब आए थे पुरातत्व के बड़े अधिकारी थे, मिश्रा जी के टाइम में भी उसका वो सर्वे हुआ था, वो बड़े अधिकारी दिल्ली के थे, तो उन्होंने बताया था कि इसको महाराज जी पूरी डाउन करेंगे और फिर इसके बाद नंबर डाल के इसको दोबारा उठाएंगे। अटकम्मा का भी यही हाल है और बाजरा मठ वगैरह जितने भी हैं यहाँ पे सब उनका कोई अच्छा स्टाफ तो ज़्यादा है यहाँ पे, काफ़ी स्टाफ, परंतु वो लोग मेहनत नहीं करते। हमने उनसे कहा कि इसकी साफ सफाई वगैरह आप लोग करो, चले ये हमारा काम नहीं है सफाई करने के लिए, इसके लिए अलग ही कोई दूसरे करेंगे। साथ ही आज जो युवा राजनीति में सक्रिय रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा लोग जो है मेहनत नहीं करना चाहते, युवा लोग चाहते तो सब कुछ है परंतु इस पे मेहनत नहीं करना चाहते। जैसे आप आज सब पंच बनते हैं उसको होड़ तो लगाते हैं कि हम जीतेंगे, पैसा भी खर्च करते हैं, परंतु जैसे बाढ़ में पैसा खर्च करना है या सीसी करना है या एनीबॉडी कोई भी काम करना है तो उसमें लगन से, जैसे हमारे वार्ड का काम है तो हमको देखना चाहिए, मजबूत करवाना चाहिए, अच्छा काम करें ताकि पब्लिक ये कहे कि हाँ हमने हमारे टाइम में काम हुआ। इसी प्रकार से जो यहाँ 1100 में तो करीब करीब ज़्यादातर सब काम हो गए हैं, बहुत कम बचे हैं यहाँ पर जो काम ना हो, पर 1100 जो ऐसी जगह है हाईवे पर है एक तो सबसे बड़ा, तो आया गया हमेशा रहते हैं, नेता लोग भी आते रहते हैं, अधिकारी वगैरह भी आते रहते हैं, सब काम अच्छे होते हैं यहाँ पर। तो फिर भी युवा जो राजनीति में सक्रिय है उनको आपको फिर भी क्या लगता है कि समय की राजनीति में लेकिन युवाओं को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं, युवाओं को तो आना चाहिए, युवा हमारे यहाँ की शक्ति है, युवा लोग जो है लगन से काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, पर वो हैं ऐसे कि जानते हैं नहीं, वो मानते हैं नहीं, लड़ते क्यों सामान है, डरते क्यों गौ के जा रहे, उनमें से ही नहीं। और जो 1100 में आपने 32 साल तक 1100 में पंचायती राज में सरपंच का कारोबार संभाला, उस समय आपने ऐसे क्या कार्य किए जिससे 1100 को विकास की नई गति प्रदान की थी? सबसे बड़ा तो हमारी पंचायत में लेखा जोखा का काम सबसे अच्छा है, 90% पंचायतों में लेखा जोखा कमजोर है, मेरा तो ऑडिट वगैरह में सब चीज़ें हमको फर्स्ट आए थे हम, तो जो पंचायती राज है उसमें आदमी मेहनत नहीं करना चाहता, ऊपरी ऊपरी मेहनत है, मतलब जो भीतर घुस के काम करना चाहिए, गरीबों के लिए जो होना चाहिए कुटीर, जो प्रधानमंत्री जो कुटीर अब आ रहे हैं ये उस जमाने हमने बहुत कुटीर बनवाए, जब पैसे 1500-1600 रुपया तो कुटीर के लिए मिलते थे उतना ही काम होता था, फिर इसके पहले फांसी ये सीसी फांसी नहीं डलती, पत्थर की सीसी होती थी, पत्थर के द्वारा वो किए जाते थे, अब उसी पे ही सीसी कर रहे हैं, हमने कुओं का भी निर्माण किया, बहुत कुएं बनवाए, बाढ़ जल प्रदाय योजना हम लोग लेके आए, फिर जल प्रदाय वो तो टंकी भी बनवाई जल प्रदाय के लिए, पहले एक अमेरिका पैटर्न की टंकी बनवाई थी वो फेल्यूअर रही थी बोराजी टाइम में, फिर बोराजी ने 1100 के लिए ये बड़ी टंकी दी है, उससे भी आज पानी सप्लाई हो रहा है। हम लगातार आपको रूबरू कराते रहेंगे ऐसी ही हस्तियों से, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, नमस्कार।